वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल गुरु सचात। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पास 90 क्वेश्चन आंसर्स है जो हमने निकाल कर सॉल्व कर लिए, और पार्ट बाय पार्ट हम वो सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ में। डिफाइन इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रोल और रूल ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अनदर कंट्री। तो बेसिकली इसमें इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन मांगा है जो बहुत छोटे तरीके से हमने दिया है, ये आपके शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। हाउ आर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल फंडामेंटल एंड ऑब्सोल्यूट। तो कहा जा रहा है ह्यूमन राइट्स कैसे यूनिवर्सल फंडामेंटल और ऑब्सोल्यूट तीनों हैं। तो ह्यूमन राइट इसीलिए ऐसा है क्योंकि इसे कोई भी ह्यूमन बीइंग क्लेम कर सकता है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एब्सोल्यूट एंड फंडामेंटल मॉरल क्लेम्स इन द सेंस दैट दे बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, दे आर इनरिलायबल एंड आर बेसिक टू अ रियल लिविंग। ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल दैट एडवोकेट फेयरनेस इक्वालिटी फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो ह्यूमन राइट्स हर किसी का है, कोई भी उनसे उनका राइट छीन नहीं सकता। Describe any four impact of British rule on various Indian industries and trade in India. तो four impacts of British rule की वजह से क्या impact हुआ था in the economic life of India? पहला है impact on textile industry. तो textile industry में क्या हुआ था, उनके goods आने की वजह से हमारा textile industry पूरी तरीके से डूब गया था। उनके जो products आते थे बाहर से उसमें कोई भी tax नहीं रहता था, तो वो cheaper होते थे, plus वो machine से बनते थे। But यहाँ से जो भी सामान बाहर जाता था उस पर बहुत ज़्यादा tax impose कर दिया जाता था, इसीलिए उसका charges बढ़ जाता था और इसी वजह से यहाँ का industry collapse कर गया। इम्पैक्ट ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे क्या इम्पैक्ट आया, फ्री ड्यूटी एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट एंड हैवी टैक्सेस ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हेन दे वर सेंट आउट ऑफ द कंट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें भी सेम हुआ था, इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इनकरेज द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय इनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ये हो गया था, और जितना भी प्रॉफिट होता था वो डायरेक्टली ब्रिटिश बिजनेस हाउसेज में जाता था इंडियन हाउसेज में आने की बजाय, इसीलिए वो और अमीर होते गए और जो इंडियन फार्मर्स थे उनकी बहुत बुरी नौबत आ गई थी। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश। तो इंडिया से जितना भी दौलत था इन्होंने लूट लिया था हर तरीके से, वो अपने वर्कर्स को यहाँ तक कि सैलरी, पेंशन, एक्सपेंडिचर, ट्रेनिंग में जो भी खर्चे होते थे, मटेरियल एक्सपेंस जो भी होते थे, सब कुछ इंडियन मार्केट से उठाकर देते थे, इंडियन मनी से देते थे। डिस्क्राइब एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइडल फॉरेस्ट। तो ट्राइडल फॉरेस्ट के फोर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिस्क्राइब करने हैं। द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टिक रीजन। डेल्टिक रीजन में ये पाए जाते हैं। द ट्रीज ग्रोन हियर आर एबल टू सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड स्लीन वाटर। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो दोनों तरीके के पानी में सर्वाइव करते हैं, उगते हैं इन बोथ फ्रेश एंड स्लीन वाटर। मैनग्रोव आर कॉमन वराइटी विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज इन वाटर। तो मैनग्रोव यहाँ की कॉमन वराइटी होती है, मतलब ऐसी ट्री जिसके रूट्स पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है संदरी ट्री। अपार्ट फ्रॉम संदरी ट्री, प्लम, कोकोनट, अगर, स्क्री पाइन एंड अमोर आर फाउंड इन दीज डेल्टाज। तो ये बाकी और कुछ क्रॉप्स या ट्रीज है जो इस डेल्टा में पाए जाते हैं। स्टेट एनी फोर फंडामेंटल ड्यूटीज एज लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चार फंडामेंटल ड्यूटीज बतानी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। द फोर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज To obey and respect the constitution, national flag and national anthem. हर किसी को respect करना है अपने constitution, अपने national flag और अपने national anthem को। To cherish and follow the noble ideals of the freedom struggle. तो जो हमारे noble ideals है, जिन्होंने हमें freedom दिलाया, जिन्होंने struggle किया, उन्हें cherish और follow करना हमारा कर्तव्य है। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. इंडिया की unity, sovereignty और integrity बनाए रखना ये हमारा काम है। To defend the country and render national service when required. Country को defend करना, उसे protect करना और national service अपनी country को देना ये हमारा कर्तव्य है। How did the growth of transport and communication coincide with the growth of imperialism? The British imperialism was the most important factor which contributed to the rise of nationalism in India. It made the geographical unification of a country possible. Before the advent of the British, the people of the south were usually separated from rest of the India except from some short intervals. The British imperialism made the people to think as one nation. तो ब्रिटिश ही वो लोग थे जिन्होंने हमें मजबूर किया और प्रेरणा दी ये सोचने के लिए कि हम एक हैं। इसी की वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जारी होने लगा। Explain any four consequences of World War One. इसमें तीन consequences हमें मिले हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब important है, ये बहुत ही ज़्यादा important सम है, one of the long answers में ये है जो आपके exam में आ सकता है। In the First World War which happened from 1914 to 1918, around 8 million soldiers and 9 million civilians died. तो इस World War One में क्या हुआ था, बहुत सारी जाने गई थी, मतलब करोड़ों जाने गई थी, और बहुत सारे consequences भी हुए थे जिनमें से एक है economic consequences. Economically कितना बड़ा झटका पड़ा था दुनिया को World War One से। World War One caused the
पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अलॉट मनी. तो जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर वन में उन्हें बहुत बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था. जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन स्पेंट अबाउट 60% ऑफ देयर मनी देयर इकोनॉमिक प्रोड्यूस. तो जितना भी पैसा ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी कमाती थी उनकी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती थी उन्होंने 60% उसे पूरा का पूरा लगा दिया था वर्ल्ड वॉर में. Countries had to raise taxes and borrow money from their citizens. They also printed money in order to buy weapons and other things. तो क्या हुआ था, लोग countries ने tax बढ़ा दिए थे, अपने citizens से पैसा मांगने लगे थे कि भाई हमें पैसा दो, किसी भी हाल में जंग जीतनी है. और फिर एक ऐसा time आया था कि उन्होंने note print करना शुरू कर दिया था without any reason, just to buy weapons. और उसी की वजह से जब world war खत्म हुआ तो बहुत सी जगह inflation हो गया था. पॉलिटिकल कॉजेस. वर्ल्ड वॉर वन ब्रॉट एन एंड टू फोर मोनार्चीज. तो दुनिया की जो फोर ग्रेटेस्ट मोनार्चीज थी उसका एंड हो गया था, उसका खात्मा हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. कार्ल निकोलस टू ऑफ रशिया, कैसर विलियम ऑफ जर्मनी, एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द सुल्तान ऑफ द ओटोमन एम्पायर हैड टू स्टेप डाउन. तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और उसी के बाद जो नई नई छोटी छोटी कंट्रीज है वो क्रिएट हुई थी आउट ऑफ दोज ओल्ड एम्पायर्स. Social consequences. World War I changed society completely. Birth rate went down because millions of young men died. Civilians lost their homes. The role of women also changed. They played major part in replacing men in factories and offices. Many countries gave women more rights after the war had ended, including the right to vote. So, the social consequences were one of the important things. Because what happened was that बर्थ रेट बहुत गिर गई थी, मतलब पॉपुलेशन दुनिया की बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लोग बहुत ज़्यादा मारे गए थे और कोई बर्थ उस टाइम हो नहीं रहा था, बहुत सारे यंग मेंस मर गए थे. और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस टाइम हुई वो ये थी कि रोल ऑफ वुमेन उस टाइम इवॉल्व हुआ. जो रोल वुमेन्स का आज की दुनिया में है वो उसी टाइम स्टार्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मेंस नहीं थे तो वुमेन्स ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया. वो लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसेज जाने लगी काम करने के लिए और कमाने के लिए. और उसी के बाद हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज ने वुमेन को हर चीज़ में इंक्लूड करना शुरू कर दिया था, उनको राइट देना शुरू कर दिया था. और उसी के बाद राइट टू वोट आया था फॉर वुमेन्स. पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मेंस वोट कर सकते थे, बट वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसा सोसाइटी ने देखा कि अब इन्हें भी हमें लेकर चलना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है सोसाइटी की, बिकॉज उस टाइम आधे से ज़्यादा मैन मर चुके थे. तो रोल ऑफ वुमेन जो राइज होना शुरू हुआ वो वर्ल्ड वॉर वन से ही था. Explain any four contributions of Swami Vivekanand in the area of socio-religious reform. The Swami Vivekanand ke four contributions ye the that he established the Ramakrishna Mission, jo aaj bhi bahut famous hai, jo Ramakrishna Mission jise hum jante hain, that was established by Swami Vivekananda. He laid stress on the removal of religious superstition, obscurantism and outdated social customs. तो उन्होंने ही स्ट्रेस डाला था कि रिलीजियस superstition और जितने भी outdated customs होते हैं उन्हें हटाया जाए, उन्हें रोक दिया जाए. He tried to remove caste rigidities and untouchability. जो untouchability जिसे हम छूत के नाम से जानते हैं, उनकी ही कोशिश थी, उनकी ही शुरू की हुई मुहिम थी कि इस चीज़ को हटाया जाए, caste system हमारे इंडिया से हटाया जाए. He motivated respect women while he himself worked for women's upliftment. तो women को respect करने के लिए वो कहते थे और उसी दौरान वो women's के जो upliftment के लिए काम कर रहे थे कि उनका जो औहदा है सोसाइटी में उसे अपलिफ्ट किया जाए और उन्हें empower किया जाए. क्लासीफाई इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन के बेसिस पे इन्वायरमेंट को क्लासीफाई करना है. तो बेसिकली इन्वायरमेंट दो चीज़ों में क्लासीफाई होती है, वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वन इज नॉन नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज मैन मेड. नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली, मीनिंग नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस. द यूनिवर्स इज नेचुरल बट द ऑफ्टन द टर्म नेचुरल इन्वायरमेंट ओनली मीन्स नेचर ऑन अर्थ. तो जो नेचुरली जो चीज़ें टेक प्लेस करती है बस उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. पेड़ पौधे खुद से उगना, हवा पानी खुद से चलना, यहाँ से वहाँ होना, बस उतनी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट रेफर टू द सराउंडिंग विच आर मेड बाय ह्यूमन और प्रीवियस सिविलाइजेशन. जो ह्यूमंस ने बनाए या प्रीवियस सिविलाइजेशंस ने बनाए हैं. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन एंड फ्यूचर जनरेशन नीड. अब टैप से पानी आ रहा, आप उसे नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं कह सकते, वो मैन मेड एनवायरनमेंट है, क्योंकि पानी को वहाँ से यहाँ घर तक लाने में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ होती है जो कि मैन मेड होती है. Suggest any four measures that would empower women economically in society. तो चार measures जो women को empower करे economically society में, वो चार ये हैं. Equal wages to equal work for both men and women. तो दोनों औरतें और मर्दों को एक समान जैसे काम कराए और उसी के हिसाब से एक समान wages भी मिले, पैसे भी pay करे. Maternity leave provided by the government for both government and private institution. Maternity leave को provide करना चाहिए, जैसे किसी की भी delivery हुई है तो उन्हें एक time of period देना चाहिए recover करने के लिए और फिर वो अपने job पे वापस आ सके. To provide reservation in job and admission in government institution. जितने भी government institution हैं उन्हें
उनमें जॉब रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर वुमेन्स एक्सेप्शनली, कि इतनी सीट्स हैं जो सिर्फ वुमेन्स एक्वायर कर सकती हैं. 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम फॉर वुमेन. तो जो पंचायती राज सिस्टम है, जो जजमेंटल सिस्टम होते हैं जहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, उसमें वुमेन्स की 33% रिजर्वेशन रहनी चाहिए. आज की वीडियो में इतना ही. बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहे. हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. अगर किसी क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा या ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, उसका आंसर रॉन्ग है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे, बिकॉज आपके फीडबैक के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे. और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे.